जय श्री कृष्णा। सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो अक्षय तृतीया पर खरीदें यह 7 चीजें। बढ़ेगी धन संपत्ति और मिलेगा महापुण्य। अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन 7 चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन 7 चीजों के खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किन 7 चीजों को खरीदना चाहिए। नंबर 1, अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होती है। नंबर 2, अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन में सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है, लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूल कर भी ना करें। नंबर 3, अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा दीपक आदि चीजों को इस दिन घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। नंबर 4, अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीदकर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस दिन कौड़ी खरीदकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन से संबंधित समस्या नहीं रहती हैं। नंबर 6, सनातन धर्म में धन धान्य करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। ऐसे में इस साल अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनके चरण पादुका खरीद कर लेकर आएं और उसे विधि विधान से स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माँ के चरण पादुका की पूजा करने से आपकी किस्मत शीघ्र ही चमक जाएगी। नंबर 7, अक्षय तृतीया पर यदि महंगाई के चलते आप सोना ना खरीद पाए तो आप बिल्कुल भी निराश ना हों और इस दिन अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला श्री यंत्र लेकर आएं और उसकी विधि विधान से स्थापना करके प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ करें। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर हमेशा धन धान्य से घर भरा रहता है। नंबर 8, अक्षय तृतीया के दिन पारद शिवलिंग को घर लाकर पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। साथ ही घर में कुबेर देवता का भी निवास होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पारद शिवलिंग लाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी ऐसी ही अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।